नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें एक डिप्टी SP समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और इसी के साथ 7 पुलिसकर्मी भी घायल है। यूपी के कानपुर में बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले में CEO इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस टीम बिना तैयारी गई थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि विकास और उसके साथी असलहों के साथ अंदर है। यही चुक भारी पड़ गई। पुलिस पर बदमाश हावी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ से सीधे घटनास्थल पर पहुंचे प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से चूक हुई है। वह जल्द ही CM को अपनी रिपोर्ट देंगे। मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। अब STF के साथ कई टीमें लगी है। 8 पुलिसकर्मी के हत्यारे विकास को खोजा जा रहा है। इसके लिए कानपुर शहर के साथ ही कानपुर देहात और आसपास के जिलों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। विकास दुबे का एक साथी हिरासत में है। वही चौबेपुर के बिकरू गाँव से 5 किलोमीटर दूर काशीराम निवादा गाँव में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे जा चुके हैं। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CEO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंपनी को प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई है अभी? हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं वहाँ से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे।